सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। हरिद्वार के दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर के अक्षत सिंह और डीएवी पब्लिक स्कूल की जगजीत प्रखर ने 98.6% अंक प्राप्त कर शहर में टॉप किया है। दोनों पीसीएम वर्ग से हैं। आपको बता दें सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। वही सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा की 10वीं कक्षा में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के एमिनिटी पब्लिक स्कूल के गरिम जोशी ने 498 अंक हासिल कर शहर में टॉप किया है। हमारा प्रयास तो खैर जो भी पेरेंट्स कर सकते हैं बस हमने उतने ही किए हैं। बाकी सारा प्रयास तो इसने खुद ही किया है। पूरा पूरा पढ़ाई अपना पूरा डिटर्मिनेशन से पढ़ता था। कहीं भी कोई फंक्शन हो इसको कहो जाने को तो ये तैयार नहीं होता था। और बाकी इसके टारगेट सेट होते थे, इसको अपना पता था कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है, वो अपना फिक्स करके अपना पढ़ता था। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है। घर में खुशियों का माहौल है इस टाइम पे। सब आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, आगे नियर फ्यूचर के लिए बधाइयाँ दे रहे हैं। 0.6% मार्क्स आए हैं और बस उत्साह तो बहुत है। बहुत लोग बधाइयाँ आई जा रही हैं। रूटीन तो बस ये था कि बस सुबह उठते थे, फिर पढ़ने लगता था, फिर दोपहर का खाना हो गया, फिर से पढ़ाई, फिर नाश्ता वाश्ता, फिर पढ़ाई, यही सब चलता रहता था। बस ये था कि लगातार जो जो टॉपिक सबने तैयार करने थे वो कर लेता था। ऐसे मतलब जो फिक्स करके टारगेट वो कम्प्लीट करना होता था। टीचर्स का बहुत सहयोग रहा, मतलब टाइम टाइम पे टेस्ट लेते रहते थे, फिर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करते थे और अच्छे से पढ़ाते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और बस उनका हेल्प भी और मतलब एंड मोटिवेशन भी बहुत रहता था उनके लिए।